का पहला सिंबल, राज्यसभा उपचुनाव में पहला सिंबल जारी किया सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह के नाम का पहला सिंबल। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनमोहन सिंह, जो आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं उनके साथ, और पहला सिंबल जारी कर दिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से। मदन लाल सैनी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जिस पर 26 तारीख को मतदान है, और माना जा रहा है कि अगर आंकड़ों को देखें, विधानसभा की स्थिति को देखें, तो यहां पर जीत लगभग तय है मनमोहन सिंह। इन सबके बीच में सोनिया गांधी ने पहला सिंबल जारी किया है, और वहां पर कांग्रेसी जो विधायक हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं मनमोहन सिंह को लेकर। और वो तस्वीर तभी क्लियर हो गई थी, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि राज्यसभा सीट के लिए मनमोहन सिंह को राजस्थान से भेजा जा सकता है। और जब गेस्ट के तौर पर वो विधानसभा पहुंचे थे, वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने विधायकों को संबोधित किया था, तब ये तस्वीर एकदम क्लियर हो गई थी। फिलहाल आज वो खड़ी आ गई है जब मनमोहन सिंह यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए। योगेश जी, जरा बताइए कि अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी। योगेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो संप्रसाद ने की हम कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोसीजर क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। मनमोहन सिंह जब पहुंचे हैं तो उनको सिंबल लॉट किया गया है, पहला सिंबल सोनिया गांधी की तरफ से। और राजस्थान से कौन कौन से दिग्गज राज्यसभा पहुंचे हैं हम उनको भी बता रहे हैं। निजमा हेपतुल्ला, अभी वो मणिपुर के राज्यपाल हैं, वो भी यहाँ से ही राज्यसभा गए थे। आनंद शर्मा, यूपीए सरकार के मंत्री थे, राज्यसभा जब गए थे राजस्थान से। और कई और दिग्गज जो अब तक राज्यसभा में राजस्थान की तरफ से कांग्रेस का नेतृत्व कर चुके हैं, पूर्व वित्त विदेश मंत्री जसवंत सिंह, 1998 से 2004 के बीच वो राज्यसभा सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। इसके साथ साथ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको लेकर। मनमोहन सिंह जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अल्फोंस भी राजस्थान से राज्यसभा गए, मंत्री बने। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, जो खूब चर्चा में भी रहे अपने कार्यकाल के दौरान, वो भी राजस्थान से राज्यसभा गए। राम जेठमलानी, एक चर्चित वकील, राज्यसभा पहुंचे थे राजस्थान से ही। और अब इस बार के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है मनमोहन सिंह को। तो थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट तो वहां पर उनका स्वागत किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, कई उपलब्धियां रही तो कई सारे आरोप भी रहे, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बतौर वित्त मंत्री भी उनके कार्यकाल को याद किया जाता है, उनकी जो पकड़ है इकोनॉमिक्स में, बाकी विषयों में वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है, लंबा एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का। और अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है आंकड़ों को देखे तो। लेकिन बीजेपी अभी भी क्लियर नहीं कर पाई कि उसका स्टैंड क्या होने वाला है। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के फेवर में आंकड़े नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज बैठक बुलाई गई है विधायक दल की। 123 विधायक हैं, 100 कांग्रेस के पास थे, निर्दलीय और बाकी मिला ले तो यहां पर 12 हो जाते हैं। बीएसपी के 6 हैं, उन्होंने भी समर्थन करने के लिए बोल दिया है कि वो सरकार के साथी हैं। तो यहां पर अगर आंकड़ों को देखें तो फेवर में 123 चले जाते हैं कांग्रेस सरकार के साथ मनमोहन सिंह के साथ। तो निर्दलीय, बीएसपी और कांग्रेस के विधायक, ये मिलाकर आंकड़ा बहुत आगे दिखाई देता है बीजेपी से। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बीएसपी के 6 विधायकों को फोन गया था मुख्यमंत्री दफ्तर से
तब भी हमने आपको बताया था और कल मिलने के लिए भी बुलाया गया था और ये क्लियर था कि बीएसपी की तरफ से कि वो सरकार के साथ जब समर्थन में है, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो यहां पर भी इस मुद्दे पर भी उनका समर्थन है। तो छह विधायक तो बीएसपी के ही हो गए और अदर्स जो बाकी हैं वो भी सरकार के साथ दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप देख रहे हैं। और नॉमिनेशन शुरू होगा 11:30 बजे, तो वहां से हम थोड़ा अपडेट भी लेते हैं अपने सहयोगी नरेश से। नरेश, क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए, नामांकन का जो समय है वो 11 से 3 बजे तक है सुषमा, और माना जा रहा है कि मनमोहन सिंह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो होटल मेरियट में हैं। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है मेरियट से विधानसभा तक आने का, क्योंकि पूरा कॉरिडोर जो है, पूरा रास्ता है वो खाली करा लिया जाता है जब इस तरह का वीआईपी मोमेंट होता है। और इसके साथ ही विधानसभा में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था, और मैं आपको बता दूँ, साथ ही कैमरामैन जो है वो सुरेंद्र आपको दिखाएंगे कि ये गेट नंबर 4 है, और इस गेट नंबर 4 से ही जो है वो मनमोहन सिंह जो है वो एंट्री करेंगे, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा का मामला है इसलिए इस वीआईपी गेट से उनको अंदर ले जाया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो उनके साथ आएंगे। फिलहाल होटल मेरियट में जो है वो नामांकन फॉर्म जो भरा जा रहा है उसकी अंतिम जो प्रक्रिया वो की जा रही है, कि जहां हस्ताक्षर होने हैं, जो 4-5 हस्ताक्षर होने बाकी रह गए थे उनके हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ ही समय में वो होटल मेरियट से रवाना होंगे और फिर विधानसभा परिसर में जो है यहां पे प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो सचिव है विधानसभा के, उनके कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया होगी, और ये माना जा रहा है मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ये पूरा नामांकन प्रक्रिया कार्यक्रम होगा। और उसके बाद फिर से संभावना इस बात की भी, हालांकि सुषमा, कि मीडिया से बातचीत करें, अपनी बात रखे कि राजस्थान के चुनने का मुख्य कारण क्या है, लेकिन विधानसभा से फिर वो होटल मेरियट ही रहेंगे और वहीं पे कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, या वो विधायक है, मंत्री है, उन सबसे मुलाकात कर सकते हैं और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पहली बार राजस्थान से जो है वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और विधानसभा में कह सकते हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है, कांग्रेस के कई जो विधायक है वो पहुँच चुके हैं, और भी विधायक जिन्होंने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इंतजार इस बात का सुषमा कि कुछ ही क्षण में जब हमको सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का काफिला यहाँ आएगा और इसी गेट से जो जहाँ हम खड़े हैं इसी गेट से अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि चूंकि वीआईपी मोमेंट है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और ये जो पूरा जो आपको एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएं, ये पूरा रास्ता जो विधानसभा के बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा अधिकारी है, तमाम पुलिस के अधिकारी है, वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जो ही मनमोहन सिंह का काफिला आएगा ये पूरा रास्ता रोक दिया जाएगा और उसके बाद इसी गेट नंबर 4 से उनको अंदर एंट्री कराई जाएगी। तो इस तरह की एक व्यवस्था है जो आपको आपके जो है बताई जा रही है, और दर्शकों तक हम पल पल की जो खबरें हैं वो पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, क्योंकि बड़ा दिन है आज का। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन जो फॉर्म है भरा जाएगा, और चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से उम्मीदवार हो रहे हैं इसलिए ये चुनाव है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि इस चुनाव में जिस तरह से वोटों का गणित है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है, और संभावना इस बात की ज़्यादा है कि निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, अगर भाजपा उम्मीदवार नहीं उतारती है, क्योंकि वोटों का गणित, विधायकों का गणित उनके पक्ष में नहीं है, तो अगर वो नहीं उतारती है तो फिर मनमोहन सिंह का निर्वाचन निर्विरोध होगा। लेकिन अगर औपचारिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ उतारती है तो फिर मतदान भी होगा और पूरी प्रक्रिया भी होगी। तो ऐसे में अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि नजर इस बात पर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। हालांकि माफ कीजिए, बिल्कुल नरेश, तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर
बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है। नंबर्स नहीं है तो क्या वो यहाँ पर समर्थन करेंगे, निर्विरोध यहाँ पर मनमोहन सिंह चुने जाएंगे, या फिर बीजेपी कुछ और यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाती है। आज बीजेपी की भी अहम बैठक है, उस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है, नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे खास बात है, अभी कुछ देर बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और उनके साथ मुख्यमंत्री भी होंगे। और कौन कौन वहां पर होगा, अपने सहयोगी नरेश से जानते हैं। नरेश, और कौन कौन वहां पर होगा नॉमिनेशन के वक्त? देखिए, नॉमिनेशन की जहाँ तक बात है, चूँकि मनमोहन सिंह के साथ है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो दो सेट है नामांकन के वो ऐसे हैं जिनमें एक पे हस्ताक्षर अशोक गहलोत के होंगे और दूसरे पर हस्ताक्षर सचिन पायलट के होंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के तमाम जो सदस्य हैं, तमाम जो मंत्री हैं जिन्होंने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, 18 मंत्री ऐसे जिन्होंने साइन किए हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो सहयोगी जो दल है, चाहे बसपा की बात करें या निर्दलीय की बात करें, वो विधायक भी नामांकन के समय विधानसभा परिसर में मौजूद रहेंगे। हालांकि जो नामांकन कक्ष है उसमें सीमित संख्या में ही जो है वो साथ में जाने दिया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ये यहाँ अंतिम समय तक, जब तक नामांकन पूरा दाखिल नहीं हो जाता तब तक मौजूद रहेंगे, और बाकी जो विधायक है वो भी रहेंगे। और नामांकन के बाद मनमोहन सिंह है उन विधायकों से मुलाकात करेंगे कांग्रेस के, और जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं उनको, जो विधानसभा में मौजूद रहेंगे उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और उसके बाद इस बात की भी संभावना सुषमा की कुछ चुनिंदा विधायकों से, मंत्रियों से, जो होटल मैरियट है वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, क्योंकि पूरे दिन जो है आज मेल मुलाकात का सिलसिला रहेगा। और इस बात को लेकर भी जो है इंतजार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरी नगर जो निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी हुई है कि भाजपा क्या फैसला करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती है तो फिर मनमोहन सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। हालांकि राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी विधानसभा में आए हैं, जो अपने साथ कई सवाल लेके आए हैं, जब वो बोलेंगे तभी उन सवालों का जवाब हमारे सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार जो है इस बात का किया जा रहा है कि मनमोहन सिंह कुछ ही क्षणों में जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख हम करते रहेंगे। फिलहाल